एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो होगा ऑन ड्रेस बेरी वॉचेस। मैंने दो वॉचेस खरीदे थोड़े टाइम पहले। मैं टॉप शॉप कर रही थी मिंत्रा से एंड देन आई सॉ दैट देयर वाज अ सेल ऑन वॉचेस, तो मैंने बस ऐसे ही क्लिक किया एंड मुझे दो वॉचेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे, तो आई डिसाइडेड टू बाय। तो इन दोनों बॉक्सेस में दो वॉचेस है। ऑफकोर्स मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा रिव्यू दूंगी, उसके बाद मैं आपको क्लोजअप भी दिखाऊंगी किस तरीके की घड़ी है। तो फर्स्ट वन इज दिस एंड इनकी पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ द टिफनी एंड को बॉक्सेस, तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। सो द फर्स्ट वॉच इज दिस, इस तरीके का लगता है। डोंट वरी, मैं क्लोजअप भी आपको दिखाऊंगी, पहन के भी दिखाऊंगी। तो इस तरीके का दिखता है। दिस इज शॉर्ट बैक स्टोरी अबाउट दिस। एक फॉसिल का सेम इसी पैटर्न का घड़ी मिल रहा था, आई थिंक वन एंड हाफ ईयर अगो, एंड मैंने उसे बहुत टाइम तक कार्ट में रखा था एंड इट वेंट आउट ऑफ स्टॉक एंड इट नेवर केम बैक इन स्टॉक। वन एंड हाफ ईयर्स या फिर टू ईयर्स तक तो यार इन स्टॉक आया नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो वापस से इन स्टॉक आएगा एंड मुझे लगता है कि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग ही बंद कर दी। तो जब मैंने ये वॉच देखा, इट रिमाइंड मी ऑफ दैट वॉच दैट आई वांटेड टू बाय। एंड ये हाफ या हाफ से भी हाफ प्राइस का था, क्योंकि वो कुछ 7000 का था एंड ये मुझे 1300 में मिला। ऑफकोर्स इसकी MRP थोड़ी ज़्यादा है। इसकी MRP है 3799 रुपीज, विच इज़ वे टू मच। बट ऑफकोर्स ड्रेसबेरी के वॉचेस कभी भी MRP पे तो मत खरीदना, बिकॉज उतना वर्थ नहीं होता है। इनकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। उस प्राइस में डेफिनेटली यू कैन बाय टाइटन एंड द अदर ब्रांड्स। तो ये मुझे मिला 1300 रुपीज़ में। 1300 रुपीज़ में आई थिंक दैट इट वर्थ वॉच है। तो मैंने वैसे तो इसको यार बाहर अब तक पहना नहीं है। इस तरीके का दिखता है एंड इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे, लाइक इस मटेरियल में बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक एंड इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कराया, इसके जो बाकी के लाइक क्लास्प्स है इधर है, बट हाँ ये अब तक मेरे लिए लूज़ है क्योंकि मैंने किसी को बोला था छोटा कराने के लिए। तो ऑफकोर्स हाँ, इसको मैं फिटिंग का कराऊंगी, जिस तरीके का इस तरीके का फिटिंग का कराऊंगी मैं। सो दिस इज़ हाउ द वॉच लुक्स लाइक। क्वालिटी वाइज ये आई थॉट पर्सनली कि ये लाइक यू नो थोड़ा सा हैवी होगा, बट ये बहुत बहुत ज़्यादा लाइट है फॉर 1300 रुपीज़। आई फील दैट ये मतलब एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही लाइट है, थोड़ा सा हैवी हो सकता था ये, बट नन द लेस मुझे ये इसका लाइक ना होल पैटर्न एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने सेकेंड वॉच बहुत बहुत ज़्यादा प्रिटी है एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को अच्छा लगेगा। इसका प्राइस है 3000 रुपीज़, 2999 रुपीज़ एंड दिस इज़ अ नाइस प्रिटी रोज़ गोल्ड वॉच। इस तरीके का दिखता है ये रोज़ गोल्ड वॉच एंड इसका क्लास्प एंड एवरीथिंग इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। बहुत ही ज़्यादा लाइक यू नो नाजुक सा लगता है, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। नाउ वाटर रेजिस्टेंस की बात करूँ तो सॉरी मैं वो वाला बताना भूल गई, वाटर रेजिस्टेंट इस पे लिखा है एंड उस पे भी लिखा है, बट देन कितना मीटर तक रेजिस्ट कर सकता है वो इस पे मेंशन नहीं है एंड इसका कार्ड भी मेरे पास है नहीं, तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगी। बट आई वुड सजेस्ट कि यार बारिश के सीज़न में या फिर पानी के आसपास आप ऐसे घड़ियों को पहन के मत जाओ। जो अच्छी क्वालिटी के वॉचेस होते हैं वो आप डेफिनेटली यू कैन रिलाई ऑन दोज, बट देन इन वॉचेस को यार पहन के आप अगर जाओगे तो आप वो क्लेम भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस पे लिखा भी नहीं है कि कितने मीटर्स तक। एंड आई फील दैट सस्ते में मिल रहे हैं तो यार ये हो सकता है खराब। ओवरऑल अगर मैं इसके लेकिन यहाँ पे खड़े लगे हुए हैं तो इसकी डायमंड एंड ऑल की क्वालिटी बताऊं तो ये काफ़ी लाइक यू नो स्टर्डी लग रहा है। ऐसा लग तो नहीं रहा है कि ये निकल जाएगा। ऑफकोर्स मैंने इसको बाहर पहना नहीं है क्योंकि इसको भी मुझे थोड़ा सा छोटा कराने की ज़रूरत है। जब मैं इसको लाइक नो फिटिंग का करा लूँगी तभी मैं पहन पाऊँगी। एंड स्क्रैचेस की बात करें तो यार इतना लाइक यू नो मुझे लगता नहीं है कि इतने ज़्यादा स्क्रैचेस एंड ऑल पड़ सकते हैं इस वॉच में। वॉच
है. आई थिंक इसमें सिल्वर कलर भी अवेलेबल था. इनफैक्ट अगर आप जेसबरी का लाइक नो होल वॉच कलेक्शन देखो तो उनके पास काफी सारी वेरायटी ऑफ वॉचेस है. एंड आई फील दैट अगर आप वॉच खरीदना चाहते हो जेसबरी का तो 2000 के अंडर ही खरीदना. इफ एट ऑल आपको अच्छा भी कोई घड़ी ऐसे लगे कि जो 2000 के ऊपर है तो वेट फॉर सेल. सेल के बाद लाइक नो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा. जब 2000 के नीचे हो जाएगा तब ये वर्थ लाइक नो ये ब्रांड के वॉचेस तब ही वर्थ है. 2000 के ऊपर दीज आर नॉट वर्थ एट ऑल क्योंकि इनकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी है नहीं. कलर की बात मैंने इसकी कर ली. एंड ये जो ब्राउन वाला वॉच था इसमें तो बहुत सारी वेराइटी थी. आई थिंक इसमें 10 to 12 कलर्स अवेलेबल थे. एंड वो वाले कलर्स इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहे थे एक्सेप्ट फॉर द पर्पल. पर्पल एक अच्छा लग रहा था. बाकी तो थोड़े बहुत डल कलर्स थे. डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो लिंक पर क्लिक करके. नीचे आप सिमिलर वॉचेस पर अगर जाओगे तो आपको सारे के सारे कलर्स एंड पैटर्न्स दिख जाएंगे. So that is all for this video. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, helpful लगा हो. If yes, then please like, comment, share and subscribe. Do follow me on my Instagram. The link will be in the description box. Thank you so much for watching this video.